नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली ग्लो न्यूज और मैं हूं आपके साथ सपना मद्देशिया। शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में दुष्कर्म के बाद हुई डॉक्टर की हत्या के विरोध में डॉक्टरों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी। सोमवार को आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर रेजिडेंट डॉक्टरों ने अन्य किसी भी जगह पर अपनी सेवाएं नहीं दी। ऐसे में मरीजों को पर्ची बनाने के बाद भी भटकना पड़ा। हालांकि मरीजों की समस्या को देखते हुए वरिष्ठ संकाय ने मोर्चा संभाला, लेकिन इनकी संख्या कम रहने के कारण मरीजों को अपनी बारी के लिए घंटों इंतजार करना पड़ा। डॉक्टरों ने इस घटना को दूसरा निर्भया कांड करार दिया। डॉक्टरों का कहना है कि हड़ताल के पहले दिन एम्स डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, सफदरजंग, लेडी हार्डिंग, जीटीबी अस्पताल, लोकनायक, डीटीओ सहित दूसरे अस्पतालों में 30-50% तक ओपीडी प्रभावित रही। इन अस्पतालों में पहले से प्रस्तावित कई सर्जरी को टालना पड़ा। नई सर्जरी के लिए तारीख भी नहीं दी गई। इसके चलते ओपीडी ब्लॉक में मरीज इधर उधर भटकते रहे। कई मरीज काफी देर तक बैठे रहने के बाद वापस लौट गए। डॉक्टरों की हड़ताल के बीच इमरजेंसी में सुविधाएं मरीज के लिए सहारा बनी। ओपीडी में परेशान हुए गंभीर मरीज तुरंत इमरजेंसी के लिए चले गए। यहां पर उन्हें डॉक्टरों ने इलाज के साथ दवा भी उपलब्ध करवा दी। इन अस्पतालों में भी नहीं हुआ काम। मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल, गुरु तेग बहादुर अस्पताल, मानव व्यवहार संस्थान, अटल बिहारी वाजपेयी आयुर्विज्ञान और संबंध विज्ञान संस्थान, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मेडिकल कॉलेज और राष्ट्रीय टीबी और श्वसन रोग संस्थान के डॉक्टरों ने सेवाएं नहीं दी। 6,000 मरीज आते हैं रोजाना। बता दें, दिल्ली के अस्पतालों में रोजाना आते हैं 60,000 से अधिक मरीज और इलाज करवाने आते हैं। इनमें से बड़ी संख्या में मरीज दूसरे राज्यों से होते हैं। डॉक्टरों का कहना है कि आने वाले दिनों हड़ताल और उग्र हो सकती है, इसमें मरीजों की समस्याएं बढ़ सकती है।